तुमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कोर ऑफ सेक्शन, कितना मार्क्स सिक्योर हुआ, 5 मार्क्स। एक डेफिनेशन पढ़ लेना और 5 मार्क वो सिक्योर हो गया। अब ये क्वेश्चन लक फैक्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है 5 मार्क के लिए, या तो एक अलग सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क के लिए, समझ में? 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, इट्स अप टू अस, मतलब मुझे भी नहीं पता कितने किधर कहां पे आएगा। इज इट क्लियर? चलो, तो इसको चैप्टर को है ना एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये चैप्टर है ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है थिन सिलेंड्रिकल, दूसरा होता है स्पेरिकल शेल। तो मैं भी 2 लिखता हूं यहां पे, रुको, यही वाला यूज करता हूं। हाँ, सही है। चैप्टर का नाम है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल शेल। कितने मार्क का चैप्टर है? परफेक्ट। सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल शेल चैप्टर का नाम है थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल शेल। ये देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, ये इधर चला गया, समझा? ये अपने काम का नहीं है, ये उठा दिया, यहां पे रहेगा सिलेंड्रिकल, वहां रहेगा स्फेरिकल शेल। सिलेंड्रिकल शेल देखो कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल शेल की अगर मैं बात करूं, ये हो गया सिलेंड्रिकल शेल, बराबर। और स्फेरिकल शेल की मैं बात करूं तो ये हो गया, ये हो गया स्फेरिकल शेल, करेक्ट? इज इट क्लियर? दोनों आपके माइंड में चल रहा है। ये गोल स्पियर है, ये यहां पे सिलेंड्रिकल है, परफेक्ट है। दिस इज द लेवल ऑफ विक्टोरियस। ये डायमीटर है डी, ये लेंथ है एल, यहां पे डायमीटर है डी, ओके? यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? कुछ भी डाउट नहीं है, करेक्ट है? आगे बढ़ने बोलो। चलो अभी ध्यान देना, अभी यहां पे 2 चीज प्रेजेंट, वहां सिर्फ 1 ही चीज प्रेजेंट है, तो फॉर्मूले से थोड़ा हेल्प लगेगा आपका। पहला फॉर्मूले को बोलते हैं हूप स्ट्रेस, पहले फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? हूप स्ट्रेस, सिग्मा एच। क्या बोलते हैं? सिग्मा एच। सिग्मा एच का फॉर्मूला है पीडी बाई 2t। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला, ये एच है, लो सिग्मा एच। नेक्स्ट, नेक्स्ट सिग्मा एल क्या है? पीडी बाय 4t, करेक्ट है? हा, सिग्मा एच। आगे बढ़े, थर्ड रहेगा, पहला क्या पढ़ा हमने? हूप स्ट्रेस। दूसरा क्या पढ़ा हमने? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। तीसरा रहेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ। टाउ का फॉर्मूला क्या है? हूप स्ट्रेस माइनस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2, करेक्ट? या तो इसका दूसरा फॉर्मूला है पीडी बाय 8t। आपको याद हो रहा है ये फॉर्मूले? यस। चलो पीडी अपॉन 8t। नेक्स्ट चलते फोर्थ फॉर्मूला, हूप स्ट्रेन। फोर्थ फॉर्मूला हूप स्ट्रेन, हूप स्ट्रेन का फॉर्मूला है, हूप स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा डी बाय डी, या तो इसका दूसरा फॉर्मूला है हूप स्ट्रेन का सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन ई, क्लियर है? या तो फिफ्थ फॉर्मूला आ जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाय एल, या तो बराबर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एच अपॉन ई। सर कैसे याद रखने का? ई है ना ई एच, तो सिग्मा एच पहले,
ई एल है तो सिग्मा एल पहले, करेक्ट है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोला मैंने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी, ईवी का फॉर्मूला है टू टाइम्स ऑफ ईएच प्लस ईएल, या तो ईवी का एक और फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वी बाय वी बराबर, या तो एक और फॉर्मूला बनेगा पीडी अपॉन फोर टीई ब्रैकेट ओपन फाइव माइनस फोर म्यू, ठीक है। अभी देखो ये जितने फॉर्मूले लिखे ना आपने बोर्ड पे, करेक्ट, इसमें अभी एक स्पेशल केस है जॉइंट वाला फॉर्मूला, जॉइंट वाला फॉर्मूला, अच्छा स्पेशल केस, अगर आपको सम में बोला रहेगा देर आर लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स बराबर एंड सर्कमफेशनल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स वर्ड लिख के आएंगे, समझ में आ रहा है क्या लिख के आएगा, जॉइंट्स वर्ड्स बराबर, जॉइंट्स वर्ड लिख के आएगा आपको याद रहेगा। तो जब जॉइंट्स वर्ड लिख के आएगा, करेक्ट, तो प्लीज नोट दिस फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, प्लीज नोट दिस, जॉइंट वर्ड लिख के आया, क्या लिख के आया, तो बस यहां पे जाके जो भी जॉइंट रहेगा ना, इधर क्या बोला है लॉन्जिट्यूडनल ना, और एक सर आप गलत लिख रहे हो, सर आप गलत लिख रहे हो, नहीं यही तो खास बात है, अगर आपको लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट दिया है तो हुप में लेना है, और हुप जॉइंट दिया है सर्कमफेरेंशियल जॉइंट दिया तो लॉन्जिट्यूडनल में लेना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको बोला रहेगा 85% इज लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स, तो आपको इधर लेना है, इज इट क्लियर। ये पूरा फॉर्मूला छोड़ के कोई और फॉर्मूला गलती से नहीं है, हाँ जो जॉइंट दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई बराबर, तो दो फॉर्मूला, ये हर बार नहीं रहता है, इक्का सम में आ गया तब, अदरवाइज कभी नहीं आएगा, दस मार्क क्या आएगा, ऑलरेडी फॉर्मूले में पहले से लगाने का है, तो आप चाहिए तो दो फॉर्मूला लिखो विदाउट जॉइंट्स विद जॉइंट्स, समझे, आप लोग कितनी बार लिखो, दो लिखो, ऐसा फर्स्ट फॉर्मूले को दो बार लिखो, ये एक बार और ऐसा ही दो बार, इज इट क्लियर, और एक के अंदर मिटा दो, लो करेक्ट, विद जॉइंट विदाउट जॉइंट सब कुछ लिखा है मैंने, डन। सर इसको छोड़ के कभी और फॉर्मूला कभी जिंदगी में यूज नहीं होगा, कितने मार्क का पढ़ा रहे हो सर, फाइव या तो टेन मार्क्स, इट्स अप टू लक, मूविंग अहेड। अब चलते हैं स्फेरिकल शेल पे, स्फेरिकल शेल पे, जब मैं स्फेरिकल शेल में बात करूंगा तो देर इज नो लेंथ ओनली डायमीटर इज देयर, तो पहला फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, पहला फॉर्मूला बनेगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला रहेगा पीडी अपॉन 40। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है चेंज इन डायमीटर, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन फोर टी ई ब्रैकेट ओपन वन माइनस म्यू, करेक्ट, इसी को भी बोल, और एक चेंज इन थिकनेस डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू माइनस म्यू पी डी अपॉन टू टी ई। नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ईवी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ईएच, ले लो ईएच इज इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन ई वन माइनस म्यू, डन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला है
डेल्टा वी बाई वी थ्री पी डी अपॉन फोर टी ई ब्रैकेट ओपन वन माइनस म्यू. कुछ भी याद कर लो, सब में मिला जुला के एक ही चीज होगा. सो मैं क्या बोल रहा था, देखो सिग्मा सी का फॉर्मूला, इसमें सिग्मा एल नहीं होता है बराबर. फिर डेल्टा डी बाई डी, इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेन बराबर ना, पी डी अपॉन फोर टी ई, पी डी अपॉन फोर टी ई ब्रैकेट ओपन वन माइनस म्यू. डेल्टा टी बाई टी का कुछ नहीं होता, माइनस म्यू पी डी अपॉन फोर टी ई वॉल्यूम एट थ्री टाइम्स ऑफ ई एच कर लो, या ई एच का देखो जो ई एच बोला ना उसी चीज को यहां पे भी लिखा है, सिग्मा एच अपॉन ई वन माइनस म्यू. देखो वही चीज है, सिग्मा एच क्या है, सिग्मा एच मतलब इसी को सिग्मा सी या तो सिग्मा एच बोलते हैं, सिग्मा सी या तो सिग्मा एच. सी और एच एक ही चीज होता है, सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस, एच स्टैंड फॉर हुप. इज इट क्लियर? ये पूरे पेज पे 10 मार्क का है फॉर्मूला, ये 10 मार्क है, पूरा पेज 10 मार्क है. सर थोड़ा कम करो ना फॉर्मूला, बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम करता हूं. देखो ये फॉर्मूला उड़ा देता हूं बराबर, बाकी सब रहने देते हैं. लेफ्ट में से अगर उड़ाना है ना, ये उड़ा दू, ये याद किया, एक काम करो बस ये तो याद करो, लास्ट वाला छोड़ दो.
चलो आगे बढ़। देखो मैं एक बार वापस बता देता हूं। सबसे पहले क्या किया, इससे अपने को टी मिला, सिग्मा एल यूज करके, सिग्मा ये फॉर्मूला यूज करके सिग्मा एल ढूंढा, हुप स्ट्रेन ढूंढ के हुप स्ट्रेन मिल गया, हुप स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा डेल्टा डी किया। आगे बढ़ रहे हम लोग, अभी अपने को ढूंढना क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा ई। सिग्मा एल कितना है, सिग्मा एल किया ना हमने, लिख नहीं रहे हो क्या, 75 करेक्ट, 75। ई कितना है, म्यू कितना है, सिग्मा एच कितना है, बराबर कितना आया बता दो, फोर वन एटी सेवन पॉइंट फाइव चलो ये हो गया। पॉइंट बोलो क्या लिखूं, है चलेगा राइट है। ओके नेक्स्ट देखना, स्टेप नंबर सिक्स, उपस्ट्रेन का एक और फॉर्मूला है डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल ढूंढने का है, डेल्टा एल क्या करने का, अपने को ढूंढने का है। एल है अपने पास कितना है, एल कितना है, एल है अपने पास 3500। कैलसी कैलसी कर रहा है, इतना मेहनत कैलसी पे करो ना फास्ट। करेक्ट, डन। नेक्स्ट रुको, इधर इधर देखो, डेल्टा एल भी कर लिया, डन डेल्टा एल भी कर लिया। अभी डेल्टा वी बच गया है, डेल्टा वी करने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बराबर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का पहला मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ईवी इज इक्वल टू बोलो, टू ई एल है कि ई एच है, प्लस ई एल। कुछ लोग मेरे को टू ई एल बोले, वो गलत है, मैं कैसे याद रखा। देखो एक सर्कमफेरेंस स्ट्रेस में दो डायमीटर रहता है ना, और एक लेंथ रहता है ना, दो डायमीटर टू ई एच और एक लेंथ, समझा। देन चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, हेल्प करो। ईवी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई एच, ई एच कितना है, पीछे ढूंढा है, बताओ यार कोई, तो ई एच है 6.56 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4, ई एल कितना है, कैलसी कर लो, लास्ट स्टेप डेल्टा वी बाय वी। माइनस वॉल्यूम देखो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, बराबर एरिया रहेगा पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, लेंथ रहेगा जो भी है, तो पाई बाय फोर इंटू डायमीटर कितने का है, डायमीटर है 1600, लेंथ है 3500, कितना है डायमीटर,
बोलो आंसर। एमएम क्यूब। शिफ्ट इसको मल्टीप्लाई या तो शिफ्ट सॉल्व यार वी फिनिश विद दी न्यूमेरिकल। लिख के ले लो। Here we finish with the numerical. बोलो। हाँ ठीक है। 10^2 बस ये आंसर है। इज इट क्लियर? मैं कौन सा बोला मैंने? ये डीएससी के पेपर का है May 23। डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एक स्पेशल पेपर होता था। ऐसा कुछ फर्क नहीं, दोनों में सेम ही रहेगा पेपर। ये सबसे टफ क्वेश्चन है थीन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेल का, पूरे सब्जेक्ट का, थीन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेल का सबसे टफ, ये चैप्टर का, डीएससी का May 23 के पेपर का है। क्वेश्चन नंबर 1C। 1C में नहीं आया, दूसरा क्या है वो चेंज कर दो। ये 2B क्वेश्चन है ये, डन ठीक है, ये 2B है वो चेंज कर दो, डन। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। अब बिल्डअप थीन सिलेंड्रिकल शेल ऑफ डायमीटर दिया है, गिवन डायमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। फिर क्या बोला है, 8 मीटर थिक, थिकनेस दिया है 8 mm, इसको 4000 कर दू। फिर क्या बोला है, इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ पी, पी कितना दिया है 3.75, यूनिट क्या दिया है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट, मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन से जाएंगे, देखो मेगा न्यूटन होता है 10^6 न्यूटन, बराबर। देखो किलो होता है 3, मेगा होता है 6, ओके, अपॉन 3 को स्क्वायर mm स्क्वायर, कैंसल कैंसल, कितना हो गया 3.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बराबर। मतलब सर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही होता है न्यूटन पर स्क्वायर? हाँ भाई सेम ही होता है। कैलकुलेट हूप स्ट्रेस स्ट्रेन वो सब बोला है, दुनियादारी बोला है। फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, इफ द एफिशिएंसीज ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल सर्कमफेरेंशियल जॉइंट्स आर, एफिशिएंसी मतलब ईटा, पहला कौन सा बोला है लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा कौन सा बोला है सर्कमफेरेंशियल, सिग्मा एच भी बोल सकते हैं सिग्मा एल भी बोल सकते हैं, कितना कितना परसेंट बोला है, पहला 80%, दूसरा कितना बोला है 40%, समझा। टेक कैपिटल ई, कितना दिया है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका कन्वर्जन देखो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर है। म्यू दिया हुआ है सब में 0.3, क्वेश्चन समझ में आ गया। टू फाइंड समझ के लेते हैं। टू फाइंड में बोला है सबसे पहला कैलकुलेट हुप एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा एच क्वेश्चन मार्क, सिग्मा ई, ई एल, दोनों स्ट्रेन बोला है ना, दो चीज पूछा है बस, बस दो चीज पूछा है। कितने मार्क का समय है, 8 से 10 मार्क्स, बराबर 8 से 10 मार्क का समय। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप देखो, हुप स्ट्रेस सिग्मा एच का फॉर्मूला बोलो,
बराबर है, पीडी अपन टू टी ई है कि सिर्फ टी है? ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो समझा, जॉइंट वाला है डन, पी कितना है, टी कितना है, ये डायामीटर है 1 मीटर, लेंथ है 4 मीटर, यार क्या बता रहे हो, ये लेंथ कितना दिया अपने को सम में 4, और डायमीटर कितना दिया है 1 मीटर, मैं देखा नहीं 1000 mm, क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान देना, डायमीटर है 1000 upon 2, थिकनेस कितने का है 8 mm, और ईटा एल कितने का है 0.8, तो सिग्मा एच कितना आ गया, कितना 9 sigma L का फॉर्मूला बोल, ईटा सी एल में सी, चल अंश मैं डाल रहा हूं तू देख बेटा, ठीक कितना सिग्मा सी, बोलो आंसर, बोलो अंश, बोलो आंसर, हा सेम आंसर आया ना, सोचो ना एग्जाम में अगर ऐसा हुआ कितना डर लगेगा ना, कि दोनों आंसर सेम करेक्ट ना, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, चलो आगे बढ़ता हूं, अभी क्या करना है, स्टेप नंबर 3, हूप स्ट्रेन यही पूछा था ना सब में, ई एच या ई सी, EH का फॉर्मूला बोलो अंश, सिग्मा एच 9 point इतना है, सिग्मा एच ये है ना 292.968, बोलो क्या बोल रहे हो, अच्छा ये सॉल्व कर लिया पूरा, अच्छा बोलो सिग्मा एच कितना है, इंटू 10^2, हा 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 210 × 10^5, म्यू कितना है, सिग्मा एल कितना है, 3 आएगा, 3 पीछे क्या है, 3 है ना, हाँ 3 है, थ्री कहाँ पाए बेटा,
ई गिवन रहता है, ये देखो, चलो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, बोलो शायद से सेम ही आंसर आएगा क्या, बोलो आंसर। देखो कॉपी पेस्ट कर दिया, बोलो 9.4 सेम कॉपी पेस्ट, नो यूनिट, डन।